Good morning and assalam alaikum students hope you are in good state of health and taking all the precautionary and hygienic measures to combat the pandemic situation of corona i am dr furqan bhatti the subject coordinator biology american Lyceum of school as a part of the series of online lectures today we are going to have a discussion on mitochondria it is a topic of biology class 9th and belongs to the chapter number 4 and given on the page number 62 स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ माइटोकंड्रिया लेट्स बिट इंट्रोडक्ट्री इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइटोकंड्रिया दिस इंट्रोडक्ट्री इंफॉर्मेशन इन दिस डाइग्राम यू कैन सी हेयर इज आ माइटोकंड्रिया माइटो कॉन्ड्रिया को अगर आप बेटा देखें तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक पीनट की तरह का स्ट्रक्चर है बट जिस तरह हम एक पीनट को क्रैक करते हैं तो वो हाफ़ हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इसी तरह ये उस पीनट को डिवाइड किया हुआ है और ये समझ लीजिए कि हाफ़ पीनट है उसका ऊपर वाला आधा हाफ जो है वो उतार दिया गया है ताकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी नज़र आ सके अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये जो लाइट ब्राउन से कलर की हमें बाहर नजर आ रही है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिस पर आपको पॉइंटर चलता हुआ मालूम हो रहा होगा ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है इसके बाद अगर आप देखें तो ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है जिसमें कि आपको ये इन फोल्डिंग्स यानी इनवर्ड फोल्ड हुआ हुआ दिखाई दे रहा है ये इन फोल्डिंग्स हैं ये इंटरनल मेम्ब्रेन फिर से आई और ये वन सगेन इसकी इन फोल्डिंग है तो इसके इसकी एक ये एक डबल मेमब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है विच इज़ स्मूथ और ये इनर मेम्ब्रेन है जिसमें आपको इनफोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये इन फोल्डिंग है ये इन फोल्डिंग है ये इन फोल्डिंग है सो so, इस इन इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये ब्लूइश कलर में एक लिक्विड सा बी नज़र आ रहा है जिसे हम बाद में मैट्रिक्स के नाम से डिस्कस करेंगे सो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स और चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो इन फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन की इन्हें हम क्रिस्टी बोलते हैं आप ये देख सकते हैं क्रिस्टी के नाम से ये लेबल्ड है सो इट वाज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया सो

एंड नंबर फोर आपको इसके फंक्शंस का भी पता होना चाहिए उसके बाद डेफिनेशन इसकी क्या है द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हमने अभी पढ़ा कि इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है तो इसलिए ये द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स सेल्स को अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी प्रोवाइड करना mitochondria का काम है सेल मेमब्रेनसिबल टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स आर कार्ड माइटोकॉन्ड्रिया सो इसकी डेफिनेशन में हमने दो चीजें बताई हैं कि डबल मेम्ब्रेनस आर्गनेली है एंड नंबर टू कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को ताकि सेल अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके चूंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल सो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल कुछ कुछ बुक्स में आप इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इट्स सेल्फ प्लूरल वर्ड है इसका जो सिंगुलर होता है वो माइटोकॉन्ड्रियान है सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है और माइटोकॉन्ड्रियान इसके सिंगुलर को बोलते हैं नेक्स्ट इज़ द अक्रंस के ये आपको किस किन सेल्स में मिलता है हम उस पर डिस्कस करेंगे एज दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गनैली अभी हमने पढ़ा कि इनके बाहर मेम्ब्रेन होती है बल्कि एक भी नहीं दो मेम्ब्रेन होती हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गनैल्स होते हैं आप याद रखिएगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यूक्रियाटिक सेल में पाए जाते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गनालीज होने के नाते ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रियाटिक सेल्स में आपको मिलेगा एंड इट विल बी एबसेंट इन द प्रोक्रोटिक सेल्स नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे हमें यूक्रियाटिक सेल बना के दिखाया गया है और ये एक प्रोक्रियाटिक सेल है बेसिकली ये बैक्टीरियल सेल दिखाया गया है यूक्रोटिक सेल में आप देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जिसकी आपको हल्की सी ओटर और इनर मेम्ब्रेन भी दिख रही है तो ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डीराग्नैली जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी कर रहे हैं ये आपको यूक्रोटिक सेल्स में नजर आ रहा है बट प्रोक्रोटिक सेल में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आता सो so, हम कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूक्रोटिक सेल्स वेर एज दे आर एबसेंट इन प्रोक्रोटिक कमिंग ना कॉमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया अभी भी हमने पहले भी पढ़ा कि दे यार डबल मेम्रेन है साग नैली यानी कि अंदर एक आउटर मेमब्रेन है आप देख सकते हैं डायग्राम में ये स्कीमेटिक डायग्राम है जो ड्रा की गई है ये इसकी आउटर मेमब्रेन है और आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ है ये अंदर को या बाहर को टर्न नहीं हो रही इट्स स्मूथ जो आउटर मेमब्रेन है चारों तरफ है आउटर मेमब्रेन इज स्मूथ और उसके बाद ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है और आप देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन इनवर्ड्स फोल्ड होती है ये इस इन फोल्डिंग्स सी बना रही है यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन के पैरेलल है और फिर ये इन फोल्डिंग इसने बनाई तो आउटर मेम्ब्रेन जो है बेटा वो स्मूथ है जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इट हैज़ इन फोल्डिंग्स इसमें इन फोल्डिंग्स बनती हैं और उन इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टी सो वंस अगेन आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ इनर मेम्ब्रेन मेक्स इन फोल्डिंग्स और उन इन फोल्डिंग्स को हमने क्रिस्टी बोलना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लूड सारा नजर आ रहा है ये फ्लूड हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या मैट्रिक्स के नाम से बोलें हमें ये भी हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्रिस्टी क्या है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाट आर क्रिस्टी तो उसके बारे में हमें यह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इस स्लाइड पे हमने दी हुई है द इन फोल्डिंग्स फॉर्म्ड बाय इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो जो इन फोल्डिंग्स बनाती है उन इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टी कहते हैं और इनका काम क्या है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया का काम फंक्शन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन है वट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन इसका काम है माइटोकॉन्ड्रिया का जिसके लिए लार्ज सरफेस एरिया चाहिए होता है और क्रिस्टी एक्चुअली इसी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके क्रिस्टी का सिंगुलर बेसिकली क्रिस्टा है यानी एक हो तो क्रिस्टा और अगर ज़्यादा या कलेक्टिवली प्लूरल फॉर्म में हमने बोलना है तो वो क्रिस्टी हैं सो so, क्रिस्टी बेसिकली इन फोल्डिंग्स हैं इनर मेम्ब्रेन में हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके उसके बाद बेटा जी आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर वंस अगेन एक डायग्राम हमने माइटोकॉन्ड्रिया की दी है जो इसके स्ट्रक्चर को ही बता रही है वंस अगेन इट हैज़ आउटर मेम्ब्रेन जो कि स्मूथ है इट हैज़ इनर मेम्ब्रेन जिसमें इन फोल्डिंग्स हैं और इन इन फोल्डिंग्स को हमने क्या बोलना है क्रिस्टी बोलना है दो नई चीज़ें इस डायग्राम में मैंने दिखाई हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा नंबर वन ये देख सकते हैं इसके अंदर डी भी मौजूद है एंड नंबर टू इसके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद हैं ये दो वो चीज़ें हैं जो कि पिछली डायग्राम्स में हमने नहीं डिस्कस की थी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डीएनए मौजूद है इस डीएनए को आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलेंगे क्योंकि ये डीएनए प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया है ये वो डीएनए नहीं है जो आपने न्यूक्लियस में पढ़ा था वो न्यूक्लियस में जो डी था वो बेसिकली आपका या उस ऑर्गेनिजम का डी होता है बट ये डी इस माइटोकॉन्ड्रिया का है तो दिस दैट्स वाल्ड इज़ डी माइटोकॉन्ड्रियल ए जबकि जो राइबोसोम्स हैं ये भी वो राइबोसोम्स नहीं हैं जो आपने प्रीवियसली पढ़े आपको याद है कि वो 80S एस के लार्जर साइज के राइबोसोम्स थे बट ये राइबोसोम्स स्मॉलर साइज़ के हैं 70S एस के हैं 70S एस के ये राइबोसोम्स इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे देन यू विल कम टू नो आप एक एंडोसिम्बायट हाइपोथेसिस पढ़ेंगे उस हाइपोथेसिस के मुताबिक इनफैक्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनिज़म हुआ करता था जिसे दूसरे सेल ने इंजस्ट कर लिया खा लिया और उसको डाइजस्ट नहीं कर पाया और आज तक सेल्स में ये उसी फॉर्म में मौजूद है तो इसीलिए इसका अपना डीएनए भी है और इसका अपना राइबोसोम्स भी हैं अदरवाइज हमारी बॉडी में कोई भी ऐसे ऑर्गेनालिज हमारे सेल्स में नहीं है कि जिनका कोई अपना डीएनए या अपना राइबोसोम हो सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के और इसी अपने पर्सनल या जाती डीएनए होने की वजह से माइटो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया बार बार खुद से डिवाइड हो सकते हैं सेल डिवाइड हो या ना हो माइटोकॉन्ड्रिया अंदर डिवाइड होते रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर ओन डी दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेल्फ़ रेप्लिकेटिंग आर्गनेली भी बोलते हैं एक या, यानि एक ऐसा आर्गनैली जो खुद ब खुद रेप्लिकेट होकर डिवाइड होके एक से दो दो से चार चार से आठ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ बिकम अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग आर्गनैली यानी खुद ब खुद टाइम के मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक डिवाइड होता रहता है अगर सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे अगर कम चाहिए तो ये कम चलते रहेंगे जी सो सो वंस अगेन वही जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट मैट्रिक्स है जो वो वो क्या होता है द फ्लूड प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दूसरी चीज जो अभी हमने पिछले डायग्राम में देखी वो है माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए ये माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए बेसिकली मैंने बताया कि ये डी एन ए इसका पर्सनल डी एन ए है ये वो डी एन ए नहीं जो न्यूक्लियस में होता है ये उससे डिफरेंट डी एन ए होता है और इसी डीएनए की वजह से ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेली है जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये इस डीएनए की वजह से खुद बहुत डिवाइड होकर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक ही सेल में कई माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो जाते हैं फिर हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी हैं और ये सेवनटी के होते हैं पिछली डायग्राम में आपको दिखाया गया इसीलिए इनको प्रोक्रोटिक राइबोसोम या बैक्टीरियल टाइप के राइबोसोम कहा जाता है क्योंकि इनका साइज़ सेवनटी है और हमारे सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूप्रोटिक राइबोसोम्स होते हैं और वो एटीएस के होते हैं नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इसका फंक्शन जो है बेसिकली सेल्युलर रेस्पिरेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं सो माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और एरो अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है इट्स बेसिकली एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस ये एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है यील्डिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग तो ये एनर्जी पैदा करने वाला प्रोसेस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यील्ड या एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर हम इसको इक्वेशन में देखना चाहें तो हमारे पास सेल के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचता है हम जो फूड खाते हैं वो ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी सेल तक जाती है डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ वाटर मालिकूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की वजह से इसे हम बोल बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ए यानी इस बायोकेमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ए की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है सारा माइट्रोकॉन्ट्रिया के अंदर इसीलिए तो हमने इसीलिए हमने माइट्रोक्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला था सो वंस अगेन कमिंग रिव्यूइंग द फंक्शन माइट्रोकवान्ड्रिया का फंक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन है ये एक एनर्जी हिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए और इसीलिए हम माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं सो इट वॉज ऑल अबाउट So it was all about the mitochondria. Hopefully, I have made it clear to all of you. But there might be some queries and concerns uh, that we we can address you, and you can link us through WhatsApp call or any other means of communication. Inshallah, we will try our level best to settle your issues and concerns. Thank you very much. Uh, have good precautions against the disease. Stay home. Stay safe. Thank you very much. Allah Hafiz.